हे गाइज, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप लोगों को क्यूट एनिमल पसंद है? मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए तो आप लोग इस वीडियो में आए हैं। हाँ, हम लोग आज एक दुनिया का क्यूट एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे देखते ही आप लोगों का मन करेगा कि इसे घर लेके जाऊं। इस क्यूट एनिमल का नाम है स्लो लोरीज। ये बहुत ही रेयर जानवर है और बस कुछ ही जगहों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट एशिया में ही दिखने को मिलते हैं। पश्चिम में बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यूनान प्रोविंस इन चाइना से लेकर दक्षिण में जावा के द्वीप तक देखने को मिलते हैं ये जानवर। इन जानवरों में बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं और ये सब डिसाइडेड होता है कि वो कौन सी जगह में रह रहे हैं। उनमें से कुछ स्लो लोरीज का नाम है सुंदर स्लो लोरीज, बेंगल स्लो लोरीज, पिग्मी स्लो लोरीज, जाबन स्लो लोरीज एंड फिलिपाइन स्लो लोरीज। स्लेंडर स्लो लोरीज बस साउथ इंडिया और श्रीलंका में देखने को ही पाए जाते हैं। ग्लोबल रिकॉर्ड के अनुसार इनका जो इतिहास है वो बहुत ही अनिश्चित है, क्योंकि इनका जो जैवाश्मिक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है और ये ज़्यादा विकसित एनिमल भी नहीं है। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर एनिमल होते हैं। इनका जो सर होता है वो राउंडेड शेप का होता है। इनका जो मुंह का एरिया होता है, जिसे स्नॉट बोलते हैं, वो थोड़ा सा नैरो होता है और इनका स्पेशल आई देखने को बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े हैं। एक्चुअली इन लोगों की आँखें के वजह से ही ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। ये लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, इसी वजह से इन लोग का जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा भैरी करता है। इनका आर्म और लेग का लेंथ सेम ही होता है। इन लोगों का जो टर्सो है वो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल है, जो कि मदद करता है कि ब्रांच को आसानी से पकड़ने में। और इन लोगों का हाथों और पैरों में पिनल लाइक ग्रीव होती है, जो हेल्प करती है कि ज़्यादा देर तक ब्रांच को पकड़ के रखने के लिए। ये एनिमल ज़्यादातर शांत और हर काम करने में स्लो होते हैं और इन लोगों को नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। शायद इसी वजह से इन लोगों का नाम स्लो लोरीज रखा गया है। हाँ, स्लो लोरीज में एक स्पेशल खासियत भी है। ये दिखने में जितना क्यूट और शांत होते हैं ना, उतना ही खतरनाक भी होते हैं। स्लो लोरीज का एक टॉक्सिस बाइट आप लोगों को एक मौत की नींद सुला सकती है। और ये टॉक्सिस इन लोगों की आर में एक स्वीट ग्लैंड में रहती है। फिर भी कुछ लोग इन्हें पेट की तरह रखते हैं। ये एनिमल को पालना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इन लोगों की जान भी जा सकती है। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन, ब्लड लॉस और इम्प्रॉपर केयरिंग के वजह से ही मरते हैं। स्लो लोरीज छोटे छोटे एनिमल और फ्रूट और वेजिटेबल ही खा सकती है और इसका शिकार हर कोई करता है, कैट, ईगल, स्नेक, बियर्ड्स, यहाँ तक कि इंसान। और स्लो लोरीज को एक ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है, जिसमें यूज किया जाता है। ये एक बड़ा कारण है स्लो लोरीज का डिसअपीयरिंग होने का, और ये कुछ देशों की एनिमल मार्केट में भी ओपनली बेचा जाता है। ये थी कुछ बातें स्लो लोरीज के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।